मथुरा की कुछ खास खबरों की ओर एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जहां पर नशे के कारोबारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने का नाम नहीं ले रहे। जानकारी के लिए बता दें कि जनपद में इस तरीके से नशे की लत को छोटे बच्चों में बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चों को पहले नशे की आदत लगाई जाती है, बाद में उन्हें गुमराह कर उनसे मोटी कमाई की जाती है। जनपद में इस तरह के नशे के कारोबारियों की वारदातों को रोकने के लिए वहां का प्रशासन भी दिनों रात और मेहनत करने में लगा है और दिन रात ऐसे लोगों की गिरफ्तारी में लगा है, जिसमें दो इलाकों के अंदर, दो क्षेत्रों के अंदर से 6 आरोपियों के साथ एक महिला को किया गया है गिरफ्तार। जनपद में नहीं रुक रहा नशे का कारोबार, आज भी दोदाना क्षेत्रों में नशे की खेल में लगे 6 गिरफ्तार, जिसमें से एक महिला भी शामिल। मथुरा जनपद के सुदूर इलाकों में से लेकर शहर तक में नशे के सौदागर सक्रिय हैं। यह लोग भोले भाले बालकों को भ्रमित कर नशे की आदत में डाल देते हैं और बाद में उन्हीं से मोटी कमाई करते हैं। जनपद के नशे का कारोबार चरम पर पहुंच गया है, इसको लेकर जनपद में पुलिस भी थोड़ी सक्रिय नजर आ रही है। आज भी एक महिला एवं 5 व्यक्तियों को नशे के पाउडर, गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। थाना जमुनापार क्षेत्र के एक महिला व 2 आरोपियों के नशे के पाउडर अल्प्राजोलम 550 ग्राम व थाना मावन क्षेत्र से 3 आरोपियों को 3 किलो 413 ग्राम अवैध गांजे सहित पकड़ा है। अब देखना होगा कि जनपद पुलिस नशे के खेल को कब तक खत्म कर पाती है।